हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.6 बेस्ड ऑन बाय पार्ट। राइट, तो बाय पार्ट का रूल मैंने पहले भी बताया आपको। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय पार्ट के फार्मूले से। और फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ यू एंड वी डी एक्स। अगर यू एंड वी दोनों फंक्शन है डी एक्स के, देन तो फर्स्ट बाय पार्ट का रूल लगाएंगे। और रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको, तो लिखेंगे हम। अब देखो, इसमें फर्स्ट फंक्शन में हम किसको लेते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और जो इजीली सिंप्लीफाई जाए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, उसको मैं सेकंड फंक्शन लूँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज माई फर्स्ट, एंड ए की पावर एक्स डी एक्स इज सेकेंड फंक्शन। राइट, तो नाउ हाउ आई विल सॉल्व दिस? तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, देन इन दोनों का जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। ये मैंने लगा दिया बाय पार्ट। बच्चों, इसमें लगा दिया हमने क्या? बाय पार्ट। अब इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये आंसर आ गया। पहला पार्ट सॉल्व, दिस पार्ट सॉल्व, माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन पता ही होगा आपको, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे इसमें? तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, दैट विल बी 2x, है ना? कैसा, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास। और इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स, तो ये हो गया डी एक्स। अब देखो, इन दोनों के प्रोडक्ट का अगेन हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो, ये एक्स है, इसको हम फिर से दोबारा से बाय पार्ट लगाएंगे। इस वाले फंक्शन में हम क्या लगाएंगे? दोबारा से बाय पार्ट। और दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड। ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, सॉल्व करते हैं इसको। बाय पार्ट लगाते हैं, ए की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाय पार्ट लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस, ये देखो 2 क्या होगा, पूरे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लास्ट में आंसर आएगा उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर ध्यान देना। ठीक है, और ये इसमें लगा दो बाय पार्ट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन क्या? एक्स, और दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का आएगा उसका फिर से डबल इंटीग्रेशन करना है। अब देखो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स माइनस, सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसका आ गया 1 और इसका क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स, और पूरे का क्या करना है? दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, और ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब एक रह गया, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर एक्स ई की पावर एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x खत्म, ये हो गया इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं, e की पावर x सभी जगह पर कॉमन है, ठीक है। तो वी कैन टेक आउट, या पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, राइट, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x, कॉमन ले लो, e की पावर x इज कॉमन एवरीवेयर, e की पावर x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, दिस इज और प्लस ए आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.6। तो बच्चों प्लीज रिवाइज एट होम, और कब तक करना है ना, जब तक कि मैथ के मास्टर ना बन जाओ, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, सी यू गाइस, बाय।